हिमाचल में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में करीब 10 शहरों का तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। हमीरपुर के नेरी का तापमान सर्वाधिक 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं कई मैदानी क्षेत्र लू की चपेट में हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 9 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि ये लू का अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले को दिया गया है। पिछले 24 घंटों में अगर मौसम की बात करें तो देखिए, काफ़ी क्षेत्रों में हीट वेव दर्ज की गई है। तो सबसे अधिकतम तापमान था वो नीरी में था 45.1 डिग्री सेल्सियस, वहीं सुंदरनगर में 41.3 था। तो देखिए, अब बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला, शिमला, नाहन, यहाँ पे हीट वेव कंडीशन दर्ज की गई थी पिछले 24 घंटों में। और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो देखिए, अभी भी जो हमारे जो कुछ एक क्षेत्र जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति और कुल्लू मंडी है, इसमें आज और कल के लिए हल्की बारिश हो सकती है शाम के समय में। परंतु जो हमारे जो बाकी जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, यहाँ पे देखिए आगामी 4 दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा और जो दिन के तापमान हैं वो सामान्य से अधिक ही रहेंगे। पिछले 24 घंटों में जो एवरेज पूरे प्रदेश में ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आपका कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे जो दिन के तापमान है वो एवरेज 4 से 6 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। और संभावना यही है कि ये देखिए आगामी 4 दिनों में भी जो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में एवरेज 4 से 6 डिग्री अधिक रहेंगे। और इसके चलते हुए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 18 तारीख से थोड़ी प्रदेश में वेदर एक्टिविटी शुरू होने की संभावना है और 19 और 20 तारीख को जो हमारे जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, इनमें जो हमारे जो तापमान है इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना जरूर है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।